हर महादेव भक्तों, जय माता दी, जय श्री राम। भक्तों, आप सभी को पता है 3 मई को हम सभी अक्षय तृतीया का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाले हैं। उस दिन एक और फेस्टिवल होता है जिसके विषय में आप में से कुछ भक्तों को ज्ञान जरूर होगा। मैंने सोचा क्यों नहीं आप सबके साथ ये वीडियो शेयर की जाए। उसके पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, वीडियो को आगे जरूर शेयर करेंगे और कमेंट में जय माता दी जरूर बोलेंगे, अपनी हाजिरी जरूर लगाएं माता के दरबार में। और आप वीडियो को शेयर क्यों करेंगे, क्योंकि ज्ञान का प्रचार प्रसार करने आपको मेरी मदद करनी है, इसलिए अपनी वीडियो शेयर करें। अच्छी लगे तो ही शेयर करें, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, कर भला तो हो भला। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन माता मातंगी का हम सभी प्राकट्य दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। माता मातंगी कौन है, मैं उनके विषय में भी आपको बता देती हूँ। माता मातंगी 10 महाविद्याओं में से 9वें नंबर की महाविद्या है। अब बात करते हैं माता मातंगी के प्राकट्य की। देखिए, पौराणिक कथाओं में ऐसा आता है कि ग्रंथों में हमारे ऐसा उल्लेख है कि भोले बाबा जी का एक नाम मतंग है और माता प्रभु की शक्ति है, माता पार्वती का स्वरूप है, इसलिए इनका नाम मातंगी भी है। कुछ और कथाएं हैं, मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ। पौराणिक कथाओं में ऐसा उल्लेख आता है कि माता पार्वती ने एक ऋषि है मतंग, उन्हें आशीर्वाद दिया था कि उनके घर में कन्या के रूप में जन्म लेंगी और माता ने जब जन्म लिया तो उनका नाम मातंगी रखा गया। मातंगी माता का कलर गहरा नीला है, डार्क ब्लू कलर है उनका, और उनके सर पे अर्धचंद्र शोभित है और माता के हाथ में गुंजा के बीजों की माला होती है तथा दाएं हाथ में माता अपने कपाल और वीणा धारण करती हैं और माता सोने के सिंहासन पे विराजमान रहती हैं। इस प्रकार से माता की पूजा होती है। माता का विवरण इस प्रकार से है शास्त्रों में। और एक बहुत ही सुंदर सी कथा आती है कि एक बार प्रभु श्री हरि, माता हरिप्रिया मिस माता महालक्ष्मी, दोनों जन भोले बाबा माता पार्वती के यहाँ भोजन के लिए जाते हैं तो प्रभु श्रीहरि अपने साथ में कुछ भोजन ले जाते हैं और जब वो भोजन माता पार्वती और प्रभु भोले बाबा भोजन करने लगते हैं तो उस समय थोड़ा सा भोजन भोले बाबा के और माता पार्वती से नीचे गिर जाता है। उस भोजन को ग्रहण करने के लिए एक सुंदर सी कन्या उत्पन्न हुई। जूठे भोजन को उन कन्या ने ग्रहण किया जिनका नाम मातंगी माता पड़ा। मातंगी माता, ऐसे हम देखें तंत्र विद्या में तो माता सरस्वती का वो तांत्रिक स्वरूप मानी जाती है। जी हाँ, माता मातंगी की पूजा करने से अगर आप किसी कला में अपने आप को विख्यात करना चाहते हैं तो आपको चाहिए, आप फॉर एग्जांपल आप अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, कला की देवी है माता मातंगी, तो आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और माता को भोजन में हम जूठे भोजन ही भोग लगाते हैं, जूठे भोजन में लेफ्ट ओवर फूड का भोग लगाते हैं। और माता मातंगी का ऐसा उल्लेख आता है कि शास्त्रों में उनके लिए कोई व्रत धारण नहीं करना पड़ता, केवल हमें उनकी पूजा पाठ करनी चाहिए। ऐसा करने से माता हम पे प्रसन्न होकर के हमारी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। माता के अनेक मंत्र हैं जिसमें से मैं आपके साथ एक मंत्र शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए किस प्रकार से पूजा विधि करनी है, अगर आप तंत्र साधना करना चाहते हैं उस, तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट करिए, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि कैसे 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है, किस प्रकार से आप तंत्र विद्या का भी ज्ञान ले सकते हैं। परंतु उसके लिए आप मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट करिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8691873745। अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को और भी भक्तों तक माता रानी के जरूर शेयर करें, सभी तक ज्ञान का प्रचार प्रसार होना चाहिए, कर भला तो हो भला। फ्रेंड्स, अब वीडियो में वीडियो को रोक रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अक्षय तृतीया वाले दिन माता की पूजा जरूर करें, आप सभी मानसिक रूप से करें। अगर आपके पास फोटो नहीं है तो आप माता दुर्गा के सामने ही, माता का ही स्वरूप है, आप माता मातंगी को याद करके उनकी पूजा करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे।